वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, श्रीमद् भागवतम 6:9:15 के चित केवलया भक्तया वासुदेव परायणः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेयन् निहारम इव भास्करः। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। कोई बिरला व्यक्ति ही जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया, उन पापपूर्ण कार्यों के खर पतवार को समूल नष्ट कर सकता है। जिनके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती, केवल भक्तियोग संपन्न करके इसे कर सकता है। जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत उड़ा देता है। वेल, एग्जांपल दे रहे हैं, निहारा में भास्कर, ऐसे ठंड में फॉग होती है या स्मॉग, तो सूरज आता है तभी हटती है, उससे पहले नहीं हटती। नहीं, आप कुछ भी कर लो हटेगा नहीं। वो जैसे सूरज उगेगा वैसे वैसे वो जो सुबह का कोहरा है फॉग हट जाता है। उसी प्रकार वो कह रहे हैं केश्चित केवल है भक्तया, केवल भक्ति से। एक्चुअली केवल है भक्तया, ये एक टेक्निकल वर्ड है। केवल केवल मतलब होता है केवल के, केवल भक्ति से मतलब एक नॉर्मल सेंस में नहीं बोल रहे, ओनली डिवोशन। केवला भक्ति होती है कि जिस भक्ति में और कोई इच्छा नहीं होती, उसको केवला भक्ति कहते हैं। ये समझ लो केवल एक ही इच्छा है भगवान को प्रसन्न करने की, बस इतना ही है। सो केचित केवला भक्त्या वासुदेव परायणा। और जब ऐसी भक्ति में, ऐसी भक्ति केवला भक्ति क्या होती है, वासुदेव परायणा, जो वासुदेव के लिए, मतलब और किसी देवी देवता के नहीं, शिव ब्रह्मा, उनके लिए केवल भक्ति, केवल भक्ति नहीं होती, उनकी पूजा होती है, उनकी तपस्या होती है। जैसे हिरण्यकशिपु ने की नहीं, बड़े बड़े असुरों ने की, उनकी आराधना, उनकी तपस्या की है। बट भक्ति तो केवल कृष्ण को लेके ही होती है। तो वासुदेव परायण, भगवान के वासुदेव, कृष्ण भगवान के परायण होके जो भक्ति की जाती है उसको केवला भक्ति कहते हैं। परायण का मतलब होता है कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, तपस्या, ज्ञान के अनुशीलन या पुण्य कर्मों पर आश्रित रहे बिना ऐसी सेवा के प्रति। सो इसको इन्फोर्स कर रहे हैं। केवला का मतलब भी है किसी इच्छा के बिना, और परायण का मतलब भी है कि उनको फॉलो करते हुए, बिना किसी इच्छा के भगवान को फॉलो, भगवान के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार जो भक्ति की जाती है उसको केवला भक्ति कहते हैं। मतलब कोई कहेगा, कोई अपने मन से भी कर सकता है, ठीक है, अभी हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो नहीं है। वासुदेव परायण, भगवान की इंस्ट्रक्शन से भगवान की भक्ति करना, तो उसको केवला भक्ति कहते हैं। क्योंकि कई लोग हैं जो अपने मन से ही करते हैं, करते सब कुछ हैं मगर अपने मन से करते हैं, शास्त्रों से नहीं देखते कैसे करना है। सो उसको भागवतम इतना रिकमेंड नहीं कर रही। अघम धुनमंति कार्ष्णेयः, अगर ऐसा कोई करेगा तो बहुत जल्दी ही उसके सारे पाप धुल जाएंगे। बस सिंपल हो गया। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके सारे पाप बहुत जल्दी धुल जाते हैं। अघम मतलब होता है कि अघम मतलब होता है बहुत सारे पाप। औघम, अघम, अघासुर सुने, बहुत सारा। अघासुर मतलब जो बहुत बड़ा असुर है। सो अघम धुनवंती कार्ष्णेयः, मतलब पूरी तरह
धुनवंती मतलब धुल जाता है। सो केवल यही प्रोसेस है। और श्रील प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं कि फिर आने की कोई संभावना नहीं रहती। कार्सनेय मतलब पूरी तरह मतलब कि दोबारा नहीं आता, क्योंकि और बाकी प्रोसेसेस से, योग से, ज्ञान से दोबारा आ जाते हैं पाप, पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकते, वो नष्ट नहीं होते, उसके सीड्स रह जाते हैं, जब टाइम आता है तो दोबारा से आ जाते हैं। मगर अगम धुनवंती कार्सनेय, मगर भक्ति से उसके बीज भी ख़त्म हो जाते हैं, अविद्या भी ख़त्म हो जाती है, इसलिए बीज भी नष्ट हो जाते हैं पाप के। वही सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण सूर्य सा माया है अंधकार, अगर जब सूर्य आएगा तभी फॉग हटेगा। फॉग हटाने के लिए, फॉग में चलने के लिए आप लाइट्स यूज़ कर सकते हो, येलो लाइट होती है ना जो गाड़ी की, हटा नहीं सकते आप। सो योग ध्यान ज्ञान यही है, आप लाइट्स यूज़ कर रहे हो, जा सकते हो, दिखाई देगा, मगर हटेगा नहीं फॉग। हटाना है तो कृष्णा सूर्य साम, कृष्ण की भक्ति करोगे तब वो हटेगा, ये प्रोसेस है। ओके, हरे कृष्णा, सुबह सुबह हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, यही पढ़ लिया करो, ये अच्छा है। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय।